सा बना हुआ है। कहाँ से हो? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निर्मल कुमार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आपका नियर रांची से, यानी हम रांची टोल प्लाजा है वहीं पे खड़े हैं। खाना खाने के लिए ढाबा में रुके हुए हैं, एक्चुअली नाइट में होल्ड किए थे बरही में, और बरही से हम लोग निकले थे 11 बजे और अभी टाइमिंग हो रही है आपका 2 बज रहा है। बीच में कहीं होल्ड भी किए थे हम लोग फ्रेंड्स। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गाइज ये 4 लेन है, डायरेक्टली यहाँ से हज़ारीबाग जा सकते हैं और इधर से रांची जमशेदपुर आप निकल सकते हैं, और जहाँ हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं और ऐसा कुछ इधर लोकल हम लोग पूछें तो काफ़ी फेमस ये है, शक्ति ढाबा। वेज एंड नॉन वेज दोनों आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग की कार लगी हुई है और अभी हम लोग कुछ ऑर्डर कर दिए सर लोग, अभी अंदर में है। गमले में काफ़ी खूबसूरत फूल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इधर है उधर है, अच्छा लग रहा है। इस तरह का नज़ारा है शक्ति ढाबा का, और हम लोग का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है। हम लोग ऑर्डर किए थे आपका जावी तड़का एंड तंदूरी रोटी। आपका फेवरेट ढाबा है सर है ना, यानी जब भी इस रूट से गुजरते तो खा लेते हैं। ओके दोस्तों, अंदर में काफ़ी बड़ी स्पेस है, चलिए आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर का स्पेस, और देख सकते हैं। और यहाँ पे पार्टी शार्टी के लिए आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, और इधर आपका बाथरूम वगैरह भी है। आओ काटना मत यार, देख रहा मुझे, लपक तो नहीं लेगा। चाय गर्मा गर्म आ गया है, आपके लगा खाना पीना हो गया। और जब भी अगर आप लोग इस रूट में गुजरते हैं तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा, और इसकी टाइमिंग रहती है 10 बजे से लेकर नाइट 1 बजे तक। चलिए आज की जो जर्नी होने वाली, आज हम लोग जाने वाले हैं रांची टू जमशेदपुर। हम लोग कवर करने वाले हैं 154 किलोमीटर 3 घंटे में। चलिए सर, यहाँ निकलना है पटना, तो गाड़ी जाते हैं ना 7-8 बजे। क्या अरे अभी यहाँ से निकल गए, अगर भेंट मीटिंग में टाइम टेबल देखे बोर्ड तो बोले कोई ला नहीं। दोस्तों लगभग हम आधा रास्ता कवर कर चुके हैं। ये गुंडू NH-33 NH-33 है, और काफ़ी इंजॉय करते जा रहे हैं, सीन मस्त है। एक बार हम लोग इधर फोटो लिए थे ना, ये यही सब है जहाँ पे वास्ट टाइम सब इधर उधर हो जाते हैं, तो क्या अभी तो सही है। और पहले होता था यही था, यही जब हम लोग खाना वाना जो खाए थे जी। वो ना आगे है जो सब्जी उब्जी। अच्छा अच्छा, वो निर्मल होटल। गाइस पहला ब्रेक हम लोग का होटल पंचवटी, जैसे बुंडू घाटी जैसे क्रॉस करते आपको ये होटल दिख जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये काफ़ी फेमस है, नाश्ता खाना वाना यहाँ पे खा सकते हैं। और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय वो पियेंगे, फिर निकलेंगे हम लोग जमशेदपुर की ओर। गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, और आपको ये 4 लेन है, डायरेक्टली आप चल जाएंगे जमशेदपुर, और काफ़ी शानदार रोड है फ्रेंड्स। पहले ऐसा रोड नहीं था, बट अभी बहुत क्लियर हो गया, झारखंड सरकार काफ़ी फोकस किया है रोड को लेके। गैस हम लोग ऑर्डर किए थे गर्मा गर्म चाय चुका है, इधर से पकोड़ा है एंड आपका सॉस है। गैस हम लोग का नाश्ता हो गया है, काफ़ी टेस्टी बना हुआ था पकोड़ी एंड चाय भी बढ़िया लगा था इलायची मार के। और आप देख सकते हैं उधर भी पहाड़ी है और इधर भी पहाड़ी है, और बीचों बीच ये ढाबा है, जिसके वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है, और नंबर 1 क्वालिटी, कम रेट में क्वालिटी भी खिलाता है फ्रेंड्स। जब भी अगर इस रूट से आप गुजरते हैं, टाटा जाते हैं, ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए, अगर ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यंजन, काफ़ी अच्छा लगा। देख सकते हैं पूरा गाड़ियों की यहाँ पर कतार लगी रहती है हमेशा 24 घंटा। ठीक भैया, बाय।
सूर्य मंदिर अंदर है ना, रोड से दिखाई देगा। ओके और गाइज इस रूट का काफ़ी फेमस मंदिर है सूर्य मंदिर गुंडो, और यहाँ से अंदर जा सकते हैं, लगभग हाफ किलोमीटर होगा, बाहर से आप देख सकते हैं। पर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को हम विजिट करवाएंगे, क्योंकि इस बार हम लोगों के पास समय नहीं है। कहाँ दिख रहा है? हाँ दिख गया, दिख गया। हाँ आप दिख रहा है, कितना लेट कर रहा है, अब बढ़ रहा है। हम लोग 75 किलोमीटर बाकी थे। हाँ 548 जमशेदपुर इन कर गए, एक घंटा 75 किलोमीटर तो वर्क की। और फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जमशेदपुर। और दोस्तों जमशेदपुर का फेमस मार्केट हम पहुंच चुके हैं, आने के साक्षी पहुंच चुके हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं नाइट का नज़ारा। भाई लोग ये साक्षी का मेन चौक है, देख सकते हैं, और यहीं से आपको हर एरिया जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगी। और अंदर में काफ़ी बड़ी मार्केट है, सस्ते का सस्ता अच्छे का अच्छा भी मिलता है, कम दामों में अच्छी क्वालिटी का हर चीज़ आपको मिल जाएगा अंदर में। और ये मार्केट यहीं से शुरुआत हो जाती है और लगभग ये 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हाँ भाई काफ़ी भीड़ है। अगर आप लोग सस्ते में शॉपिंग करना चाहते हैं तो साक्षी का मार्केट ज़रूर आइएगा। इधर तो पूरा जूते का लगा हुआ है भाई। भाई लोग काफ़ी भीड़ है मार्केट में, भाई कुछ भी ले सकते हो। और दोस्तों हम उतर चुके हैं TRF में, ये साक्षी इधर से हम लोग आए हैं और ये रास्ता ले जाता है आपका रेलवे स्टेशन की ओर। और मैं अभी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, लक्ष्मी नगर बोलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, और कल नाइट में पहुँच गए थे अपने फ्रेंड का रूम, और फिलहाल मैं इधर लोकल बोलते हैं प्रेम नगर, वहीं पर आया हूँ कुछ थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए। और चलिए आप लोगों को थोड़ा एक नज़ारा दिखा देता हूँ प्रेम नगर का। जमशेदपुर के अंतर्गत आता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेम नगर, और सामने यहाँ पे मार्केट लगती है, अभी ठेला वगैरह लग रही है, उधर सब्ज़ी वगैरह भी है। और यहाँ का फेमस जो है जमशेदपुर का मसाला डोसा, जो काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स, देखिए उधर हर आपको गली में मसाला डोसा का ठेले मिल जाएगा। और इधर गर्मा गर्म समोसा निकल रहा है जो ऑलरेडी हम ऑर्डर दिए हुए हैं। क्या निकल रहा है भैया? गुलगुलवा बोलते हैं इसको, ये मैदा से रहता है ना। और भाई साहब अभी निकाल रहे हैं गुलगुल्ला। ऐसे आप देख सकते हैं बच्चे लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन, जो हम लोग बचपन में खेलते थे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग कितने लोग बैडमिंटन खेले हैं। गोभी गोभी
दो पच्चीस और टमाटर पच्चीस डेढ़ किलो बीस टमाटर डेढ़ किलो बीस मटर छिमी यानी कुछ कुछ सस्ता है इधर। और एक आंटी अभी भी दुकान लगा रही है। क्या क्या है आंटी आपके पास? कैसे है पालक? हाँ मूली कैसे? मूली टमाटर कैसे दे रहे? कहाँ से हो? क्या करते हो? अंकल जी ठेले में यहाँ पे चिकन पकोड़ा बेचते हैं और अभी तैयार होने वाला है चिकन पकोड़ा। और गाइस ये मेरा रेडी हो चुका है चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा के साथ में आपका प्याज एंड हरी चटनी है नींबू डाल के। चलिए चेक करते हैं कैसा बना हुआ है। और दोस्तों हम अपने फ्रेंड का रूम आ चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। फिर मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ। आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नहीं होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही आपका एक लाइक का कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों को मैं टूर करवाते रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।